हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। देखो इसमें क्या कहता है, एक रेगुलर हेक्सागन है, तो पहले तो हेक्सागन बना लो। इसमें हेक्सागन क्या होता है बताओ, जिसकी सिक्स साइड्स होंगी, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन। और कैसी होंगी वो साइड्स, इक्वल होती हैं, ठीक है ना। रेगुलर हेक्सागन में साइड्स क्या होंगी, इक्वल। जैसे इसने बोला साइड 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, एंड दिस इज ऑल्सो 10, ठीक है। एंड हैज़ अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ईच वर्टिस। इफ दिस विल कंसिडर बी ए, दिस इज बी, दिस इज सी, डी, ई, ये वर्टिस हो गई इसकी, ठीक है। और इन सब पे कितना है चार्ज, 5 माइक्रोकूलम का। यहाँ भी 5 माइक्रोकूलम, यहाँ भी 5 माइक्रोकूलम, यहाँ भी 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। इस डी पर भी 5 माइक्रोकूलम का है, ई पर भी 5 माइक्रोकूलम, और एफ पर भी 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है। क्या कह रहा है ये, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। देखो अब सेंटर ऑफ द हेक्सागन पे क्या होगा, ए से जो दूरी होगी, मतलब ए की वजह से पोटेंशियल, ठीक है, ओ पर बी की वजह से पोटेंशियल, सी की वजह से, डी की वजह से, ई की वजह से, और एफ की वजह से, और सबको क्या करो, ऐड करो, यही तो होता है और क्या होता है, ठीक है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, पिछले में भी मैं लिखना भूल गया सॉल्यूशन, देखो ठीक है। तो यहाँ पर नेट पोटेंशियल जो होगा ओ पर वो क्या होगा, दिस विल बी वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस में वी डी प्लस में वी ई प्लस में वी एफ, यही होगा नेट पोटेंशियल, ऑलवेज बी एडिड। तो ओ पॉइंट पे इन सब की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, जो भी होगा हम सबको ऐड करो। और हमें पता है वी का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यूब बाय आर, है ना। तो यहाँ पर देखो जरा, ये क्या बनेगा हमारा के, और क्यू ये वाला ए पॉइंट था ना, क्यू ए मान लेता हूँ ये वाला चार्ज क्यू ए, और ये वाला डिस्टेंस आर ए, ये वाला आर बी, ये वाला आर सी, ये वाला आर डी, ये वाला आर ई, ये वाला आर एफ। अब यहाँ पता क्या है, मेन फंडा क्या है कि जिसको ये दूरी पता चल गई ना कि क्या होगी, वो कर लेगा क्वेश्चन को। अब रेगुलर हेक्सागन में याद रखना, जो साइड होती है ना वही डिस्टेंस होता है वर्टिसेस से सेंटर का, उसकी भी कहानी है कैसे होगा। देखो समझो, अगर एक रेगुलर हेक्सागन हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ये देखो इस तरीके से, तो सेंटर से इस तरीके से ये डिस्टेंस बनेंगे इसके, ठीक है। अब यहाँ पर ना ये एंगल जो होता है ना 120 होता है, सारे ये 120 होगा, ये 120 है एंगल अगर, ठीक है, तो ये वाला कितना होगा, अंदर वाला ट्रायंगल का ये 60 होगा, मतलब ये वाला 60 डिग्री होगा। अब ये पूरा अगर 120 था तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ये 60, ये 60, तो ये भी 60, है ना, दो एंगल 60, तो तीसरा अपने आप 60 हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180, तो 60 60, 120 120 है, तो ये 60 ही होगा, 180 होगा टोटल, क्लियर है इतनी बात, बताओ, ठीक है। अब ये क्या बन गया, इक्विलेटर ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल में क्या होती है, सभी साइड्स इक्वल, तो ये 10 है, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, सीधी सी बात है। तो ये आर ए प्लस में के क्यू बी अपॉन में आर बी प्लस के क्यू सी बाय आर सी प्लस के क्यू डी बाय आर डी प्लस में के क्यू ई अपॉन में आर ई प्लस में के क्यू एफ अपॉन में आर एफ, क्लियर। अब देख लो जरा, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, आर ए आर बी आर सी आर डी आर ई आर एफ, ये सब क्या है, आर मान लो, अगर मैं यहाँ कंसीडर करूँ, देखो आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू आर सी इक्वल टू आर डी इक्वल टू आर ई इक्वल टू आर एफ, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों है, मान लो एक साइड मान लो ये ए बी, ठीक है ना, ए बी कितनी थी 10, तो ये सारी क्या है 10 है, इसको मैंने आर मान लिया, जो कि है हमारा 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। सिमिलरली जो क्यू ए है वो भी इक्वल है, क्यू बी इक्वल टू क्यू सी इक्वल टू क्यू डी, ये सिर्फ समझाने के लिए इतना बड़ा कर रहा हूँ, आप इसको शॉर्ट में भी सोच सकते हो, ठीक है। क्यू ई इक्वल टू में क्यू एफ विच इज इक्वल टू क्यू, और जो कि कितना है हमारा 5 माइक्रोकूलम, दैट इज 5 × 10⁻⁶ कूलम। नाउ अगर यहाँ पर अब आप देखोगे तो ये के क्यू बाई आर, 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 के क्यू बाई आर बन गया, तो टोटल कितना हो गया ये 6 1 2 3 4 5 6, बिकॉज यहाँ सब कुछ इक्वल है, ये x मान गया, ये x, ये x, ये x, ये x, ये x, तो कितना हो गया 6x, ठीक है। तो ये कितना बन गया हमारा के क्यू बाई आर। अब कुछ नहीं है, सिंपल है, क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो 6 × में, मैं यहाँ से ये भी सोच सकता था डायरेक्ट कि सब कुछ बराबर है, के क्यू बाई आर ही होगा सभी के लिए, तो कितने हैं ये 6 हैं, तो 6 × में के क्यू बाई आर कर सकता हूँ, ठीक है ना, ट्रैक मिस हो सकता था, ये समझाने के लिए बस आपको बताया कि सब कुछ इक्वल है यहाँ पर, तो ठीक है ना। इस वजह से के की वैल्यू यू ऑलवेज नो कि 9 × 10⁹ होती है, क्यू हमें पता है 5 × 10⁻⁶ है, एंड आर इज 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 10/100 दैट इज 10^2 होगा नीचे, ऊपर जाके 10^-2 यहाँ पर,
होगा ना भैया, देखो 10 बाई 100 मीटर बना, तो 10 बाई 100 मतलब 10 की पावर 2 मीटर, ठीक है। इसको और कैसे कर सकते हैं, 10 × 10 की पावर -2 मीटर ऐसे, ठीक है। वहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में क्या था, नेट पोटेंशियल जीरो कर रहे थे, तो इक्वेट कर रहे थे वहाँ पर, है ना, तो वहाँ पर वो कट रहे थे यूनिट्स जो थे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था वहाँ पर। या तो पहले ही चेंज कर दो उसको मीटर में जब यहाँ करते हो, ठीक है, तब मीटर में आंसर आएगा। यहाँ करोगे तो कुछ नहीं रहेगा, जो कंसीडर यहाँ कर रखा है सेंटीमीटर में वही आंसर सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन यहाँ की बात है यहाँ तो मीटर में करते ही हैं हम, ठीक है, क्लियर। क्योंकि ये सिंगल ही बन गई ना कहानी, और यहाँ पर तो कुछ आएगा नेट पोटेंशियल, यहाँ तो चार्ज माइनस में तो था नहीं हमारे पास कि जीरो बन सकती है कुछ कहानी या नहीं, ठीक है, क्लियर, या इक्वेट हो जाए दो जगह, ठीक। चलो जी, क्लियर हो गई होगी, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना, ठीक है, तभी देना जब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स का क्या है, बेसिक बात बता रहा था आपको, ठीक। तो जी नेट पोटेंशियल क्या है हमारे पास, वी ओ, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कितना हो गया हमारे पास, 6 9 ज़ा, या ऐसे देखो 5 6 ज़ा 30, एंड कितना था ये, 5 माइक्रोकूलम था ना, और ये कितना बना हमारे पास 6, ये 6 आया साथ में, है ना, तो कितना बन जाएगा ये आपके पास, 5 6 ज़ा 30, देखो 5 6 ज़ा 30 एंड 39 ज़ा 270 बनेगा, कर लेना, 5 6 ज़ा 30, 39 ज़ा 3 9 ज़ा 27 होता है ना, तो वहाँ 30 है तो जीरो लग गई, ठीक है। अब इनकी 10 की पावर्स को सोल्व करो, देखो 10 की पावर 9 और -6 कितना बना, 10 की पावर 3, और नीचे क्या है ये हमारे पास, ये 1 है पावर और ये -2 है, तो 10 की पावर ये -1, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये 270 × 10 की पावर 3 इंटू में ये 10 की पावर 1 बन गया। अब देखो ये 27, इसको भी मैं ऐसे लिख लूँ 270 को, ठीक है, और ये 10 की पावर 4, ये यानी कि 10 की पावर 5 बन गया, ठीक है। और इसको ऐसे तो हम रखते नहीं हैं, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, आप देखो ज़रा वो कैसे लग सकता है, अगर मैं यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला 10 हटाऊंगा तो पॉइंट लग जाएगा 2.7 इंटू में कितना बन गया 10 की पावर 6। और वैसे भी आपको पता ही है, अगर हम कहीं पॉइंट नहीं होता तो यहाँ पॉइंट कंसीडर करते हैं, और हम जब लेफ्ट साइड लेके जाते हैं, एक लेफ्ट लेकर गए तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर हम राइट में लेके जाते हैं तो वो 10 की पावर -में चलती हैं फिर इधर, समझ रहे हो, देखो ना जैसे ये पॉइंट यहाँ है जहाँ कहीं नहीं होता तो लास्ट में होता है, तो यहाँ से हम यहाँ लेकर जाना चाहते हैं पॉइंट, क्योंकि इसी तरीके से हम इसको लिखते हैं, ठीक है, आंसर्स को अपने, एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इसमें एक ही पॉइंट शिफ्ट करूँगा तो एक डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ से देखो पॉइंट एक शिफ्ट किया लेफ्ट साइड, दिस इज़ योर लेफ्ट, दिस इज़ योर राइट, तो यहाँ आप लेफ्ट में गए तो यहाँ 10 की पावर क्या होंगी, प्लस में चलेंगे, तो 10 की पावर 1 बढ़ाया ना आपने इधर लेफ्ट साइड, ठीक है, तो 10 की पावर +1, तो ये कितना हो गया 6, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 10 10 से डिवाइड करके, क्लियर इतनी बात, ठीक है। और अगर राइट साइड लेके जाते हो, मान लो यहाँ पॉइंट होता और आप इसको जैसे नॉर्मली 2.7 है, ठीक है, इंटू में 10 की पावर 5, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ से पॉइंट राइट साइड लेकर जा रहे हो, ठीक है, तो मैं लगा नहीं रहा हूँ, लेकिन राइट साइड गया तो वो 10 की पावर यहाँ -1 आएगा और ये 10 की पावर 5, ठीक है। और ये सिंपल भी है, देखो 2.7 है ना, इसको नॉर्मली मैं पॉइंट नीचे मतलब पॉइंट हटाता हूँ तो 10 नीचे लगता है ना, 10 की पावर 1 है, ऊपर जाके 10 की पावर -1, ऐसे भी सोच सकते हो। तो सिंपल सी कहानी मैंने आपको बहुत बार बताई है, लेफ्ट साइड जाता है पॉइंट तो हम क्या करते हैं 10 की पावर +, में चलाते हैं, और राइट साइड जब लेके जाते हैं पॉइंट तो 10 की पावर -, में चलती है, वो बेसिक भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये किस में आ गया, वोल्ट में, ठीक है जी। तो 2.7 × 10 की पावर 6 वोल्ट इज योर आंसर, यानी कि ये क्या है आपका, नेट पोटेंशियल है एट पॉइंट ओ, क्लियर, ठीक है जी, आ गया रेगुलर हेक्सागन। मेन कहानी यही थी कि रेगुलर हेक्सागन में जो डिस्टेंस होता है वर्टिसेस से सेंटर का, वो वही होता है जो उसकी साइड होती है, ठीक है, लेकिन रेगुलर हेक्सागन होना चाहिए, क्लियर, ठीक है। फंडा भी बता दिया मैंने, 120 डिग्री एंगल होता है तो ये 60, इधर भी 120 होता है तो ये वाला 60 है ना, तो ये 2 60 हो गए तो ये भी 60 है, तो इट मीन्स ये क्या है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसकी साइड्स भी इक्वल होंगी, एक साइड अगर 10 है तो दोनों जो होंगी दूसरी वो भी 10 होंगी, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।